दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती से जुड़ा नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आज से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सभी सब्जेक्ट्स की कुल मिला के यहाँ जो वैकेंसियां हैं वो 1358 है। 100 रुपए एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 42 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी और बीएड पास कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये है दोस्तों विस्तृत विज्ञापन 27/5/2023 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 30/5/2023 से शुरू हो गई है, जो कि 5/6/2023 तक जारी रहेगी। मेरिट लिस्ट स्टेट ऑफिस में प्रिपेयर की जाएगी 6/6/2023 से 7/6/2023 तक। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा की जाएगी 8/6/2023 से 9/6/2023 तक। स्किल टेस्ट पर्सनालिटी टेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा 10/6/2023 से 12/6/2023 तक। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट 12/6/2023 को ही पब्लिश कर दी जाएगी। अपॉइंटमेंट ऑर्डर 13/6/2023 को इश्यू कर दिए जाएंगे। एंटर इन कॉन्टैक्ट अग्रीमेंट 13/6/2023 को, रिपोर्टिंग टू ड्यूटी 14/6/2023 को। ये देखिए दोस्तों कितना तेज प्रोसेस है, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और जॉब के लिए ड्यूटी के लिए रिपोर्ट भी करना होगा कैंडिडेट्स को। आज 30/5/2023 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपर एज लिमिट ये देखिए दोस्तों 42 साल यहां निर्धारित की गई है। इन केस ऑफ SC/ST/BC कैंडिडेट द मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी 47 ईयर्स। मतलब SC/ST/BC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 47 साल है, अनरिजर्व के लिए बाकी 42 साल है। इन केस ऑफ डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट द मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी 52 ईयर्स। फॉर एक्स सर्विसमैन वुमेन मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर। तो ये देखिए अच्छी खासी अपर एज लिमिट में छूट यहां दी जा रही है। क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है, कंसर्न सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी हो, PGT की रिक्रूटमेंट है तो कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो। सब्जेक्ट यहां देखिए PGT इंग्लिश, PGT तेलुगू, PGT सिविक्स, PGT कॉमर्स, PGT हिस्ट्री, PGT इकोनॉमिक्स, PGT मैथ, PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT बॉटनी, PGT जूलॉजी और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो। PGT एग्रीकल्चर, PGT अकाउंट टैक्सेशन, PGT CSE, PGT PSTT, तो इनके लिए क्वालिफिकेशन भी यहां दी गई है। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो दोस्तों ये रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट आ रही है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से। 27/5/2023 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल पद 1358 है, सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ही रिक्रूटमेंट है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए वैकेंसियां हैं, प्योरली कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की रिक्रूटमेंट है। 100 रुपए एप्लीकेशन फीस यहां निर्धारित की गई है। और दोस्तों जहां तक सैलरी की बात है, प्रिंसिपल को 34,139, CRTs को 26,759, PGTs को 26,759 और PET को 26,759 रुपए सैलरी यहां दी जाएगी। कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, ये भी ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। मेरिट और जो आपका इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके आधार पे ही आपका यहां सिलेक्शन किया जाएगा। 10th की वेटेज 10 है, इंटरमीडिएट की 10 है, डिग्री की 32 है, PG की 10 है, BEd की 15 है, एक्सपीरियंस की 8 है, स्किल टेस्ट इन कम्युनिकेशन एबिलिटीज डेमो और मॉडल लेसन की 15 यहां वेटेज है। इसके अकॉर्डिंग आपका यहां सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों मेन जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ वीडियो में शेयर की गई। मैं फिर से बता देता हूं, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से शिक्षक भर्ती का ये विज्ञापन जारी किया गया है और जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचाएं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।